हेलो फ्रेंड, नीतू की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए साबूदाना की खिचड़ी। चलिए हम बना के दिखाएंगे। यहाँ पे हमने लिए हैं साबूदाने एक कटोरी। इनको हमने एक घंटे पहले भुगो के रख दिया था, देख सकते हैं ये गल गए हैं हमारे साबूदाना। और यहाँ पे हमने तीन आलू लिए हैं बड़े साइज़ के, इस तरीके से हमने काट के लिया है इनको। यहाँ पे हमने तीन हरी मिर्ची ली थी बारीक काट के रख ली है। यहाँ पे बारीक कटा हुआ टमाटर एक लिया हमने, आप लेना चाहें तो ले लें। यहाँ पे हमने कूट के मूंगफली ली है छिली हुई, ये थोड़ी थोड़ी सिकी भी है। चलिए तो हम बनाते हैं। यहाँ पे हम डाल रहे हैं एक बड़ा चम्मच तेल। यहाँ पे मैंने डाल लिया एक बड़ा चम्मच तेल। देखिए हमने ये मिर्ची का एक बीज डाल के देखा था, ये गरम हो गया है तेल। अब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्ची काट के रखी थी हमने। ये हमारी हरी मिर्ची भून गई, इतना ही भून देंगे हम छोट को। अब ये हम आलू डाल देंगे इसमें। हमने इसमें आलू डाल दिए, अब इसको हम मिक्स कर लेंगे और अच्छे से भूनने देंगे सुनहरा होने तक। देखिए फ्रेंड, हमारे आलू सुनहरे हो गए हैं। इनको हम थोड़ा और पकाएंगे। इस तरीके से हमने बीच बीच में चलाती रही थी, बोलना भूल गई थी। इसको हम बीच में चलाते रहेंगे और अच्छे से पका लेंगे, फिर हम इसमें साबूदाना डालेंगे। देखिए फ्रेंड, हमारे आलू पक गए हैं। अब हम इसमें ये मूंगफली डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा मूंगफली को भी हम इसी में मिक्स कर लेंगे और पका लेंगे इसे, थोड़ी कड़क सी हो जाए। आप इसको अच्छे बारीक से कूट के डालेंगे ना तो बहुत अच्छी बनती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इस तरीके से भी बनाया, ये भी बहुत अच्छी बनेगी। हम व्रत वाली खिचड़ी बना रहे हैं। आप चाहें तो इसमें जीरा डाल सकते हैं, हल्दी भी डाल सकते हैं, मगर हम नहीं डालते हैं हल्दी जीरा, हम सादा सी बनाते हैं व्रत में खिचड़ी। अब इसमें हम डाल देंगे ये टमाटर बारीक कटे हुए। इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार सेंधा नमक, ये खराब में चलता है ये नमक डालेंगे हम सेंधा नमक, व्रत में चलता है ये नमक। हम इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारे टमाटर भी पक गए हैं साबूदाना, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, कितनी अच्छी दिख रही है ये। आप भी इसी तरीके से बनाएं, बहुत ही टेस्टी खिचड़ी बनती है हमारी। अब इसको हम चलाते जाएंगे। देख सकते हैं फ्रेंड, हमारी देखना इतनी अच्छी खिली खिली हमारी साबूदाने की खिचड़ी बन के तैयार हो गई है। और इसको मध्य आंच में ही पकाएं, वरना ये इस तरीके से हमारी साबूदाने चिपकने लगते हैं। तो देखिए हमारी खिचड़ी बन के तैयार है। अब इसमें हम हरी धनिया डाल देंगे, हमने काट के रखी है। अब डाल दें और इसको मिक्स कर दें। धनिया डाल देंगे, इतनी अच्छी दिख रही है खिली खिली और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इस तरीके से आप भी बनाएं। अब इसको हम सर्व करके दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड, हमने सर्व कर ली है हमारी खिचड़ी। देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है, बहुत ही अच्छी बनी है, खिली खिली बनी है और बहुत ही टेस्टी बनी है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। आप भी ऐसी खिचड़ी ज़रूर बनाएं इस तरीके से। थैंक यू।